जिला बाल कल्याण परिषद की देखरेख में लगभग एक महीने से गरीब असहाय बच्चे काफी कुछ समर कैंप में सीख रहे हैं। गुरुवार को नारी तो नारायणी उत्थान समिति की टीम हमेशा की तरह इन गरीब बच्चों के बीच पहुंची। बच्चों को खाने पीने की चीजें बांटी गई, साथ ही उन्होंने जिला कल्याण परिषद की इस पहल के लिए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड ऑफिसर रितु का धन्यवाद किया। आपको बता दें, स्वीता आर्य, नीता रानी और उनकी टीम ही सबसे पहले बाल भवन शेल्टर होम पहुंची थी और बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठा रही थी। स्वीता और उनकी टीम प्रत्येक त्योहार अपनों के बीच न मनाकर इन गरीब बच्चों के साथ इनकी छोटी बड़ी जरूरत पूरी करके मनाती है। इस मौके पर स्वीता आर्य ने कहा कि प्रशासन की गरीब बच्चों के लिए ये पहल बेहद अच्छी है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी तब तब वो बच्चों के बीच खड़ी नजर आएगी। DCW रितु संधु ने बताया कि स्वीता आर्य की टीम शुरू से ही बच्चों की मदद करती आई है। नारी तो नारायणी उत्थान समिति की तरह अगर शहर की प्रत्येक संस्था ऐसे ही गरीब बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखे तो कोई भी गरीब बच्चा किसी चीज का मोहताज नहीं रहेगा। पता चला कि 1 जून से 30 जून तक बाल भवन में समर कैंप चला हुआ है, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों से बच्चे आते हैं, बहुत ही ज़रूरतमंद बच्चे हैं। तो नारी तो नारायणी उत्थान समिति ने आज उन बच्चों को रिफ्रेशमेंट की, बिस्किट और फ्रूटी बांटी, उनसे बातचीत की, उनको सफाई के बारे में बताया और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी उनके साथ शेयर की। 1 जनवरी 2019 से कोविड सेंटर जो बच्चों को जो गोद लिया था, उन बच्चों को सभी को स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया है, लेकिन उसके बाद भी हम बाल भवन के बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे और मैडम से हमें वादा कर रखा जब भी हमारी जरूरत हो हमें एक बोल फोन करते हैं, तो हम बच्चों के लिए तन मन से साथ। अच्छा लगा कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 1 जून से लेकर 30 जून तक बच्चों का यहाँ कैंप लगा हुआ है। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि बाल भवन ऐसे कार्यक्रम कर रहा है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे जो बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते, जिनको जो बच्चे कहीं जाके एक्टिविटी नहीं कर सकते, उन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र है और हमारा जहाँ भी इनको सहयोग की जरूरत होगी। आज समर कैंप का 20वां दिन है जो कि 1 तारीख से शुरू हुआ था। इसमें झुग्गी झोपड़ियों से जो बच्चे आ रहे हैं, लगभग 300 के लगभग स्ट्रेंथ में यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं। आज नारी तो नारायणी उत्थान समिति की सविता आर्य और उसकी टीम ने रिफ्रेशमेंट दी है, जिसका जिन्होंने लगभग 300 बच्चों को यहाँ पे अपने रिफ्रेशमेंट वितरित की है। और नारी तो नारायणी उत्थान समिति पहले से ही बाल भवन से जुड़ी हुई है, जिन्होंने पहले भी 1 जनवरी को एक ऐलान किया था कि हमने यहाँ पे शेल्टर होम के जो बच्चे हैं वो गोद लिए हैं, जिनका अभी जिनको उन बच्चों को अभी मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया गया है। उसके साथ ही अभी जो भी प्रोग्राम यहाँ बाल भवन में बच्चों से रिलेटेड होता है उसमें नारी नारायण स्थान समिति बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देती है। तो कब तक चलेगा जी? ये हमारा प्रोग्राम चलेगा जी 30 जून तक, लेकिन इसका समापन समारोह हम 28 जून को करेंगे। किसी भी अधिकारी से टाइम लेकर के हम इसका समापन समारोह करेंगे।